झिंझाना 16 अक्टूबर किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला कृषि अधिकारी ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी गई सुविधाओं की जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर ने कहा कि 75% किसान धान की फसल से फारिग हो चुका है और अब रवि की फसल की तैयारी जोरों पर है। कृषि अधिकारी ने किसानों को केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने फसल के अवशेष को जलाना दंडनीय अपराध बताया एवं उसके निस्तारण का भी तरीका बताया। अक्षेत्र के गांव केरटू में किसान जयपाल शर्मा के निवास स्थान पर आयोजित कृषक गोष्ठी की अध्यक्षता किसान ब्रजभूषण शर्मा ने एवं संचालन ईडीओ अवनीश कुमार एवं डॉक्टर संजय ने संयुक्त रूप से की। गोष्ठी में किसान चौधरी जसवीर शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुरेंद्र सिंह, पवन सिंह, रमेश सिंह आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। ग्राम से उपस्थित सभी कृषक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, इस गोष्ठी का मेन औचित्य क्या है हमारा। वर्तमान में आपकी जो है खरीफ की फसल की कटाई हो रही है, लगभग 75% धान की कटाई हो चुकी है और आप लोग साथ साथ रवि की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आपको अवगत कराएं कि कृषि विभाग में रवि की तैयारी के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, किसानों को सस्ते दरों पर क्या क्या, किस किस योजना के तहत क्या क्या चीजें आपको दिलाई जा रही हैं। शासन स्तर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के सहयोग से जो है सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं और उन सुविधाओं को आप लोग कैसे लेंगे, क्या प्रक्रिया है उसकी, किस तरीके से आप किससे मिलेंगे, कितना किसका पैसा देना होगा, जमा करना पड़ेगा, कितना पैसा आपका वापस आएगा, क्या क्या हमारे राज्य के बीच गोदामों पर या जिले पर क्या क्या चीजें उपलब्ध है इस समय किसानों के हितों के लिए, किसानों की सुविधाओं के लिए और उनके जो लागत कम हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इन सारी चीजों को एक जमीनी लेवल पर हर किसान को जो बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़ा उस तक पहुंचाने के लिए शासन का निर्देश है कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ग्राम स्तर पर जाए और किसानों से रूबरू कराए कि सरकार की क्या व्यवस्थाएं, सरकार की क्या योजनाएं। पिछले सालों में ये ऐसा होता आया है कि जो बहुत से किसान जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बड़े किसान थे, वो लोग जाके सीधे जिले स्तर पर अधिकारी संपर्क में आते और जो भी योजनाएं आती थी, चाहे वो मशीनी कल की होती थी, चाहे बीज की हो, चाहे जो है कोई कल्याण या दलहन से संबंधित होती, तो लगातार वो लोग उसका लाभ ले रहे थे। तो इस चीज को शासन स्तर से संज्ञान लिया गया और सरकार ने जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का माध्यम से सब्सिडी देने का प्रावधान किया और ये बंदिश लगाई गई कि प्रत्येक किसान को जो इस वर्ष छूट को लेगा वो अगले एक वर्ष छोड़ के तीसरी साल ही उसको मिलेगी, बीच में उसको नहीं मिलेगा लाभ, हर तीसरे साल उसको लाभ मिलेगा। इसलिए डीबीटी की व्यवस्था की, यदि जो किसान भाई आज ले रहा है कोई फार्म मशीनरी बैंक खेतों तक घूम के आप सबको अवगत करा दिया, ऐसा कोई किसान नहीं कहेगा भाई हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि खेत में पाती कबाड़ जलाना दंडनीय अपराध है, तो सबको जानकारी है। और तो खुशी इस बात की है कि यहाँ किसान मतलब इस बात पर अमल भी कर रहे हैं, खेत में पाती कबाड़ नहीं जला रहे। हमारे बीच में जसवीर शर्मा जी है, इनके पास मल्चर है, ये भी आपकी सहायता करते हैं, ये किराए में चलाते हैं और जितना इनका डीजल लगता है, खपत होती है, कम से कम उतना ही लेते हैं, फालतू किसी किसान से नहीं लेते। और हमारे यहाँ पे हमारे किसान अवतार सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं और रमेश चौधरी जी हैं, इतने किसानों को यहाँ पर हमने फार्म मशीनरी बैंक दे रखा, उसमें सभी यंत्र पाती कबाड़ निस्तारण के लिए दे रखे, लेजर एंड लेवलर दे रखा, रिपल सीबल प्लाव दे रखा, मल्चर है और अभी आने वाले टाइम में सुपर सीडर एपी सीडर भी आपके यहाँ आ जाएंगे। किसान भाइयों, यदि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार 80% छूट दे रही, ट्रैक्टर तक आपको फार्म मशीनरी बैंक कस्टमर हेल्प सेंटर पर दिला रही, यदि उसके बावजूद भी कोई किसान भाई अपने खेतों में पाती कबाड़ जलाते मिलता है तो उसके खिलाफ अर्थदंड एवं कारावास की सजा का प्रावधान भी सर्वोच्च न्यायालय ने रखा है। यदि आप 2 एकड़ से कम के लिए अपने खेत में फसलों से जलाओगे तो 2,500 रूपए
दो से पांच एकड़ के बीच में जलाओगे तो प्रति घटना 5,000 रूपए, और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में यदि आप अपने खेत में खरपतवार को, धान की पत्ती, पुआल को, गन्ने की पत्ती को आग लगाते हैं तो 15,000 रूपए से अधिक का जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। और यदि ये घटना फिर रिपीट होती है उसके बावजूद आपको कारावास की सजा भी है। ऐसा नहीं कि सजा किसान भाइयों की भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यदि किसी कर्मचारी के बिल में घटना होती है तो प्रत्येक कर्मचारी 3 महीने की जेल और 10,000 रूपए का जुर्माना है। इसमें हम सुनो, एक मिनट जी, मैं सुनूंगा आपकी बात। प्रत्येक कर्मचारी 3 महीने की जेल और 10,000 रूपए का जुर्माना है। इसमें पटवारी, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और हम कृषि विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है। इसके निस्तारण के लिए मैंने आपको बताया दी भाई संयंत्र इन किसानों को आपके आसपास ही उपलब्ध करा रखे। वैसे मैं आपसे तो सुनो आपकी बात पूछूंगा आपसे। इसके साथ साथ हम एक चर्चा किसानों को विस्तार से आपसे बताई कि किसान भाई इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, थोड़ा सा प्रकाश मैं भी डालना चाहूंगा। यदि हमने खेत में 1 टन, मैं नेट से सर्च करके आपके लिए बताने के लिए साइंटिफिक है, थोड़ा सुने किसान भाइयों, यदि हम 1 टन पुआल अपने खेत में जलाते हैं तो उसमें से लगभग 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और 199 किलोग्राम आर्सेनिक, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इतनी खतरनाक गैस 1 टन पुआल जलाने से निकलती है। इन गैसों के निकलने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, आप सब जानते हैं। एक खेत में, एक खाल में आप पत्ती कबाड़ निकाल के बाहर आग लगा देते हैं तो जिस साइड में धुआं जाता है उसके दूसरी साइड में आप खड़े क्यों हो, धुएं की साइड में खड़े होकर क्यों दिखाते, अगर धुआं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक साइड में भागे नहीं भागे भाई, भागे ना, क्यों भागे, वो धुआं हानिकारक है हमारे आंतों में, फेफड़ों में, आंखों में, जिगर में, लीवर में, सबके लिए हानिकारक है। यदि कोई कहे भाई मतलब वर्ष का बने आए हो तो खड़े होकर दिखाओ मरते, हमें तो नुकसान लगे, हम सुबह शाम मोटरसाइकिल पर घूमे लेकिन आंखों में धुआं ऐसे लगे कि मिर्च डाल दी हो, आपने महसूस किया होगा। ये सिर्फ धुएं की ताकत है, इससे इतना तो वायुमंडल प्रदूषित हो रहा। इसके साथ साथ हम अपनी मिट्टी में खेत से थोड़ी मिट्टी ले आओ, उसे किसी तसले में रख के उसके ऊपर आग जलाओ और फिर घर में कुछ उगा के दिखाओ, हो जाएगा, होने का तो नहीं भाई, जली मिट्टी में कोई भी फसल उत्पादन नहीं हो सकता। तो हम खेत में जो आग लगाओगे उसमें भी मिट्टी का नुकसान होता है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हमारे फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं उनका नुकसान होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जो कि खेती करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑर्गेनिक कार्बन का नुकसान होता है। हम पशुओं के लिए पुआल को खिलाते हैं चारे के रूप में, पशुओं के लिए चारे का नुकसान होता है, वायुमंडल का नुकसान हो, फसल उत्पादन करने में अधिक खाद की आवश्यकता होगी, उत्पादन लागत बढ़ेगा, फसल उत्पादन घटेगा। इसके साथ साथ यदि हम इस धान की पुआल को, गन्ने की पत्ती को मिट्टी में दबा देते हैं तो क्या फायदे होंगे, उसको मिट्टी में दबाने से क्या मिलेगा हमें, कम से कम 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन भूमि को तुरंत उपलब्ध होगी, 2.5 किलोग्राम फॉस्फोरस, 2.5 किलोग्राम पोटास और लगभग 1.5 किलोग्राम सल्फर और 50 से 70% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वृद्धि होती है। इतनी यदि आपके खाद में वृद्धि हो जाए तो आपने की उत्पादन लागत, फसल उत्पादन लागत कम हो जाएगी, आपके अपने फसल में डाई, यूरिया कम से कम गिरना पड़ेगा, ठीक है, फसल उत्पादन लागत कम होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होगी। हमारे पशु यदि यहाँ पर माल कम पाल रखी है, आपके पास भूसा है तो पुआल भी खिलाओ होगी, अच्छी है, कोई नुकसानदायक नहीं है। आप इसमें जो सरकारी पशु शाला बनाई गई है, गौशाला, उनमें भिजवा सकते हैं, हमारा वायुमंडल प्रदूषित होने से बच जाएगा। यहाँ पर प्रकृति बहुत हरी भरी है, हम इतना महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे दिल्ली जैसे महानगरों में 20,000 रह रहे, वो आगे बड़ी आबादी तो नहीं है, उनके लिए सोचो, यदि को वहां पर फेफड़ों का, दिल का मरीज है तो उसके लिए क्या बीतती होगी, उसे सांस लेना वहां पर दुभर हो जाता है। इन सब बातों को देखते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई हुई है, और जब किसान नहीं रुके तो मजबूरन जुर्माना लगाया गया। तो इसके दबाने के फायदे और दबाने के नुकसान आपको बताए। इसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं, जब भी आप इसे मिट्टी में दबाओ, शिकायत ये आती है कि किसान भाई कहते हैं इसको दबाने से दब नहीं पाता, गल नहीं पाता, तो कम से कम 1.5 से 2 किलो बीघा यूरिया मार दो, उससे इसका निस्तारण हो जाएगा।
यदि आप अपने घर में डी कम्पोजर तैयार करते हैं, हमने प्रदीप शर्मा जी के यहाँ, जसवीर शर्मा जी के यहाँ, अन्य किसानों के यहाँ भी डी कम्पोजर तैयार कर रखे हैं, यदि आप भी तैयार करना चाहोगे तो थोड़ा विस्तृत मैटर है, बाद में बता दूंगा आपसे, मैं आपके यहाँ भी तैयार करा देंगे, उसको डाल लो। एक ड्रम लगभग, वैसे तो एक हेक्टर में काम करते हैं, लेकिन एक एकड़ में डाल लो आप इसे, बहुत जल्दी काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक किले में से एक दिन में गन्ना छील के एक दिन मील में बचा दो, पहली बात तो पर्ची नहीं आती, धीरे धीरे आऊंगी, धीरे धीरे गन्ना आपका मील में जाएगा और धीरे धीरे आप गेहूं की बुआई करेंगे, जितना छिलता रहे उसमें पत्ती फैलाओ, उसके ऊपर डीकम्पोजर छिड़क दो, जो लास्ट वाली आपकी बुग्गी बचेगी उसको उठा के बांध लो अपने पशुओं के नीचे, बिछाड़े के रूप में प्रयोग करते हैं पत्ती को, उसमें डाल लो, तुरंत उसमें आप रूटर चलाइए, किसी के रूटर में यदि पत्ती अटकी तो मजा होगी, डीकम्पोजर डालने से आपने जैसे पत्ती फूक का काम करते हैं वैसे डीकम्पोजर डाल के आप उसमें काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लगी, हम इस बात के जिम्मेदार हैं, हमने अपने खेत में ये प्रयोग कर रखा, अन्य किसानों के यहाँ भी प्रयोग कर रखा। यदि डीकम्पोजर की आप मेहनत नहीं करना चाहते तो किसान भैया थोड़ा यूरिया लेके जाओ, जितनी पत्ती फैलाई दो मिट्टी यूरिया की मार दो, यूरिया भी बहुत बढ़िया डीकम्पोजर है, उससे भी उसका निस्तारण हो जाएगा। यदि धान की पोहल है, आप मिट्टी में नहीं दबाना चाहते, मैं तो गेहूं जमते ही जब बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सुपर सीडर है ना, जुताई कर दी आपने, पानी मिला दी, यूरिया कैसे डालूं तो बताओ, कुछ पानी लगाना चाहिए? नहीं, ऐसे ऐसे डाल दो छिटक मत, हाँ सूखे में ओस पड़ती है, रात में सूखे को पूरा काम करा, जितना नमी पड़ जाएगी, नहीं मॉइस्चर जरूरी है उसके लिए, ओस पड़ जाएगी, जमीन में मॉइस्चर नहीं है तो हल्का पलेवा करके आपको यूरिया मारनी है, उसका यूरिया को घोल के ऊपर छिड़क के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपकी जमीन में नमी कम है, वैसे सामान्यतः इसके लिए रात में जो ओस पड़ती है वही पर्याप्त होती है जी, काफी हो गया। तो सुपर सीडर एक चीज आई हुई है, मशीन है, उस पर कृषि विभाग यदि 3 से अधिक यंत्र आप लेते हैं तो 80% की छूट देगा, एक यंत्र लेंगे तो 50% की छूट आएगी, उसमें आपके खेत में कितने भी फाने खोबे पत्ती कबाड़ बोल कुछ भी पड़ा हुआ हो आगे उसे बाती चल जाएगी, पीछे आपका बीज वो होते चल जाएगी, सुपर सीडर उसका नाम है, आप लेना चाहो अभी आपके जिले में उपलब्ध है, पीछे भी उपलब्ध थे, किसानों की मांग के अनुसार दोबारा फिर मंगाए गए हैं, अब उपलब्ध है, जो किसान भाई मेरे लेने चाहेंगे उसको ले सकते हैं। तो निस्तारण की बात थी इसकी, फिर भी आप लोग की समस्या थी, ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, किसानों पता चलो जुर्माना लग जाए फूक जाएगा जी, किसी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई मेरे ऊपर पिछली बार 2500 देगा, और कम से कम मेरे 20 साथी और कृषि विभाग के, इनके ऊपर 2500 का जुर्माना लगा था, उस जुर्माने की वजह से आज हमारे ऊपर पेंडिंग है, हमने डाल रखा, मतलब हमारी क्या गलती है, हमने गांव को जाकर अलॉटमेंट करा दिया रेडियो में, प्रधान के यहाँ बैठ के बैठक कर ली, आप सब किसान भाइयों को जांच कर देंगे और विभाग की योजनाओं से भी आपको अवगत कराएंगे आज के छोटे।